about to turn it on. सो गाइज आपको कैसा लगा? मस्त ना ब्रो? सो गाइज मैं जो आपको जो भी अटैचमेंट बताऊंगा सो उसमें आपकी हर एक चीज़ प्लस होएगी, अटैचमेंट हर एक चीज़ वो प्लस करेगी, एक्यूरेसी, कंट्रोल, मूवमेंट और क्या कहते हैं राइट साइड के एक रेंज। सो गाइज जो भी मैं आपको अटैचमेंट बताऊंगा ना बिल्कुल ओपी लेवल एक्सट्रीम लेवल की अटैचमेंट है। KN44 को ऐसे बना देगी कि भाई साहब इसकी जैसे कोई चीज़ ही नहीं है इस दुनिया पे। अगर गाइज आप मेरी दिए इस अटैचमेंट का काम करोगे तो जी KN44 में नर्फ भी हुआ ना तब भी ये बढ़िया से काम करेगी। चलो गाइज चलते हैं हमारे KN44 में, बता दो आपको क्या क्या अटैचमेंट है, क्या क्या लगानी है। सो गाइज ध्यान से वही लगाना जो मैं आपको बताऊँगा। तो जैसे गाइज हम पहुँच चुके हैं हमारे KN44 पे लोडआउट पे, तो आप ध्यान से देखिए जो मैंने अटैचमेंट लगाई है तो वही लगाना। देखना मजल भी, ऑप्टिक और पर्क और अंडरवेल, इन चीज़ में आपको कोई चारों में से कुछ नहीं लगाना, जो आपको मैं बताऊंगा वही लगाना। आप देख सकते हैं कि राइट साइड में जब हमारा जहां पर हमारा होता है वही स्टेटस होता है वहां पर देख सकते हैं चार चीज़ें प्लस हो रही है, एक्यूरेसी, मोबिलिटी, रेंज और कंट्रोल। सो गाइज हम सबसे पहले हमारे आते हैं बैरल पे। सो गाइज अपने बैरल पूरा ध्यान से लगाना, आपको बैरल कौन सा लगाना है। सो गाइज आप बैरल में पहुंच गए तो आपने OWC रेंजर लगाना है और जो OWC और दूसरे बैरल वगैरह वो नहीं लगाने, ठीक है। ध्यान से आप ना बोल रहा हूँ वो लगाना, आप प्रो प्लेयर हो उसकी तो आपको ज़रूरत नहीं है, आयरन साइड के बढ़िया से चला लोगे मुझे पता है। तो जैसे गाइज हम स्टॉक पे पहुंच गए, आपने ध्यान रखना नो स्टॉक लगाना और कोई भी स्टॉक मत लगाना, नॉन स्टॉक ही लगाना आप। एंड गाइज आते हैं हमारे नेक्स्ट पे, तो आपने ध्यान रखना कि लेज़र पे आ चुके हैं तो लेज़र में आपने OWC ही लेज़र लगानी और कोई लेज़र नहीं लगानी। हिप फायर और जो हिप फायर ADS करते हैं दोनों के लिए बेस्ट है ये लेज़र। सो गाइज आप हिप फायर भी बहुत ही बढ़िया कर पाओगे इसके साथ और ADS जो आप नॉर्मल ADS खेलते हैं जो भी वो भी बहुत ही बढ़िया कर पाएंगे। सो गाइज ध्यान रखना कि यही लगाना OWC लेज़र टेक्टिकल और मत कुछ लगाना। सो गाइज आते हैं हमारे नेक्स्ट पे अंडर बैरल की आपको कुछ जरूरत नहीं है, सीधा एनिमेशन भी आई है। जैसे गाइज हमारे एनिमेशन में आ गए, एनिमेशन में आपने 44 एक्सटेंडेड मैग लगाना और कुछ मत लगाइए, 38 राउंडेड मैग मत लगाइए, इसका कोई फ़ायदा नहीं, वो आपकी फिर मोबिलिटी वगैरह दूसरी चीज़ कम कर देगा। सो गाइज आपने 44 एक्सटेंडेड मैग लगाना जो मैंने आपको अटैचमेंट बताई है उसके साथ ही लगाना, उसके साथ मैग बहुत ही बढ़िया काम करेगा, आपका कुछ भी माइनस नहीं होएगा, सब कुछ प्लस होगा गाइज, इससे बढ़िया और क्या बात हो सकती है। सो गाइज हम सीधा चलते हैं हमारे रेयर ग्रिप में, चलते हैं रेयर ग्रिप में। ध्यान रखना आपने इसे रबड़ेड ग्रिप टेप लगाना, उसके बजाय कुछ मत लगाइए। सो गाइज आप देख सकते हैं आपकी हर एक चीज़ प्लस हो रही है, कुछ भी आपका माइनस नहीं हो रहा है। सो गाइज आप ध्यान रखना इस चीज़ का, जो मैंने अटैचमेंट बताई है वही लगाइए। और गाइज जिस उसको नहीं पता मैं बता दूं, कल मैंने DRH की वीडियो अपलोड करी थी उसकी बेस्ट अटैचमेंट जिसके साथ आप न्यूक ऑन कर सकते हो, जी हाँ न्यूक। सो गाइज जिसने अभी तक नई वीडियो देखी तो फटाफट भी जाकर मैंने आइकन भी उसका लिंक दिया तो आप देख सकते हैं जाकर, बहुत ही आपको वीडियो पसंद आएगी, अटैचमेंट बहुत ही ओपी है। सो गाइज मैं ऐसी वीडियो आपके लिए डेली लाता रहूँगा। सो गाइज अगर आप चाहते हैं मैं इस गन के ऊपर वीडियो डालूँ या फिर इस SMG के ऊपर तो मुझे कमेंट सेक्शन में जरूर बताइए। सो गाइज मिलते हैं आपको नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।